मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बीएमसी की तरफ से लगातार तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बीएसटी और बीएमसी ने साथ मिलकर एक नया प्रयास किया है, जिसके तहत मुंबई की ये आइकॉनिक बीएसटी बस अब आबोहवा मुंबई की साफ करती नजर आ रही है। जी हां, बीएसटी की बस के ऊपर एयर प्यूरिफायर लगाया गया है, यानी कि ये बस जहां जहां से गुजरेगी वहां पर जो ये मुंबई की हवा है उसको साफ करते हुए दिखाई देगी। बस की खास बात यह है कि जो एयर प्यूरिफायर लगाया गया है वो प्रति घंटे जो है 15,000 क्यूबिक मीटर की हवा को साफ करेगा। अगर आप नजदीक से इसकी तस्वीरें देखें तो ये जो एक प्यूरिफायर लगाया गया है उसके पीछे एक बड़ी सी मशीन है जिसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो उनको किसी तरह से कोई नए चेंजेस की जरूरत नहीं है, वो मशीन अपने आप काम करेगी और जब भी कोई पैसेंजर इसमें ट्रैवल करता है तो उसे साफ सुथरी हवा तो मिलेगी, साथ ही जहां जहां से ये बस गुजरेगी वहां तक भी जो है मुंबई की आबो हवा साफ होती जाएगी। 15,000 क्यूबिक मीटर अगर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा साफ करती है तो ऐसी तमाम बसें हैं जिनमें इसका फायदा होगा और जो पैसेंजर्स बस में बैठेंगे उनको भी साफ सुथरी हवा मिलेगी। इसके साथ साथ जहां जहां से ये बस गुजरेगी वहां पर आम लोगों को, मुंबईकरों को ये आबो हवा जो है साफ तौर पर मिलेगी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए बीएसटी से सीनियर ऑफिसर सुनील वैद्य जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी पहल है, बीएसटी की बसें मुंबई में हर कोने में गुजरती हैं, कितने बसों पर एयर प्यूरिफायर लगाया गया है और कैसे ये पूरा काम करता है? फिलहाल आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे 21 बसेस हैं, 21 बसेस पे आनिक डिपो के लगे हुए और ये गाड़ियां आनिक डिपो के विविध रूट के ऊपर चलती है जो कि हमारे मुंबई के बहुत सारे डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, अंदर के रास्ते में वगैरह जाती हैं। और हम ऐसे 350 बसेस पे एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाने वाले हैं, उसके वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये पूरी मुंबई की सिटी कवर करे। और यह जो एयर प्यूरिफायर सिस्टम है वो हमें बीएमसी ने और अपना एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने दिया हुआ है और उनका मेंटेनेंस उनकी तरफ से किया जाता है। अच्छा। तो हमारा उसके अंदर एक सिस्टम रहता है, हाफा फिल्टर बोलते हैं उसको, तो 3 महीने में या 6 महीने में उसका इंस्पेक्शन करके वो अगर उसको बदलना होगा तो वो बदल देंगे। और ये सब पूरा काम बीएमसी और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। सर, ये जो प्यूरिफायर लगाया गया है क्या ये बस के अंदर की हवा क्लीन करता है या बस के बाहर की हवा क्लीन करता है? अगर बाहर की करता है तो कितने किलोमीटर तक एयर? जी, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट एक न्यू कॉन्सेप्ट मुंबई के लिए है। आपने देखा होगा कि कोई भी एयर फिल्टर सिस्टम लगाया हुआ है वो स्टैटिक हुआ करता था, स्टैटिक इन द सेंस कोई बिल्डिंग पे या कोई स्ट्रक्चर पे लगाया जाता था, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यह यूनिट है जो हमारे एक मोबिलिटी व्हीकल पे लगाया हुआ है। तो इसका फायदा ये है कि जहाँ पर हमारा एयर पॉल्यूशन, जहाँ पर जो व्हीकल की तरफ से एयर पॉल्यूट किया जाता है वो वहाँ ही प्यूरिफाई करके लोगों के लिए एक अच्छा व्यवस्था किए जाते हैं कि जिसकी तरफ से हमें एक अच्छा वातावरण मिले और हवा मिले, उसको वहाँ ही खत्म किया जाता है। तो इस तरह से वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें बस के ऊपर लगाया जाता है तो बस के बाहर जो रास्ते पे जो अपना क्या बोलते हैं उसको एयर पॉल्यूटेड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। बात करें अगर कुल आंकड़ों की तो मुंबई में 27 बस डिपोज हैं और उन 27 बस डिपोज में से 300 के करीब जो बसेस हैं उनके ऊपर एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाए जाने की शुरुआत होगी। अब तक 21 बसों के ऊपर एयर प्यूरिफायर लगाया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि जो हवा में मौजूद प्रदूषण के कण हैं वो उनको अब्सॉर्ब करती है ये एयर प्यूरिफायर और उसके बाद इस हवा को पूरी तरह से साफ करने का काम करती है। अगर आप देखें जहां पर ड्राइवर मौजूद हैं, इनके यहां पर ये एयर कंडीशनर लगाया गया, ये इनकी हवा के लिए है, लेकिन इसके ठीक ऊपर जो बाहर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, ठीक ऊपर एक मशीन है जो आसपास की हवा को साफ करती है। और जब ये भी यहां पर अंदर बैठे होंगे, जो पैसेंजर्स यहां पर बैठे होंगे, जो हवा इसके अंदर से पास होगी वो साफ होकर निकलेगी, यानी कि 15,000 प्रति घंटे का जो क्यूबिक मीटर है उसके स्तर पर इसको ये हवा साफ करेगी। अगर आपको एक बार बस की तस्वीरें फिर से दिखाएं, बाहर मैं आपको एयर प्यूरिफायर दिखाऊं, तो कई संस्थानों ने मिलकर बीएमसी और बीएसटी को सहायता दी है जिसके बाद इस एयर प्यूरिफायर को फिट किया गया है। ज्यादा वजनदार नहीं है, ज्यादा कंजम्पशन इससे कुछ नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रिक पर चलता है ना बैटरी पर चलता है, उसको बकायदा फिट किया गया है। और मुंबई की ऐसी 20 से ज्यादा बसें हैं जिस पर इसको अब तक डिप्लॉय किया गया है। 12 से 15 ग्राम जो पर्टिकुलेट मैटर है
उसको पकड़ने का काम करती है। अगर एक बस 12 से 15 ग्राम पर्टिकुलर मीटर को पकड़ती है तो आप सोचिए कि तमाम बसें कितनी ज्यादा मुंबई की आबो हवा को साफ करेंगी। तो ये बकायदा एयर प्यूरिफायर जो है बीएमसी और बीएसटी ने मिलकर लगाया है। मुंबई का जो एक्यूआई है वो 300 के पार है। मुंबई में बरसात हुई लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ, तो ये नया तरीका जो है वो इजाद किया गया है और इसको लेकर एक कामयाबी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी फिलहाल 21 बसों के अलावा 300 बसों का टारगेट है जिस पर इस एयर प्यूरिफायर को फिट किया जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।